पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू मिशन है वो ये है कि आजकल बड़े बड़े सब यूट्यूबर यूट्यूब पे कर रहे हैं फुल मेन्यू, कभी मैकडॉनल्ड्स, कभी KFC, कभी जो बर्गर किंग, कभी कौन सा। तो इसको देखते हुए मेरा जो भाई है, जिसका अभी तक मैंने फेस रिवील नहीं किया, लेकिन उसने कहा भाई आपके पास एक अच्छा कंटेंट है कि आप भी फुल मेन्यू ट्राई करें। तो आपको पता है कि हम ये कैसे हो सकता है कि इतना कुछ जब हो रहा है तो हम क्यों ना करें। तो असद भाई ने भी हमें यही मशवरा दिया कि रिजवान भाई हम भी एक फुल मेन्यू करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो जेब है वो इतनी हैवी नहीं है कि हम मैकडॉनल्ड्स का या KFC का या बर्गर किंग का फुल मेन्यू कर सकें। इसलिए हमने सोचा तो हमारे अपने एरिए में मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे टीए भाई, जिनका वो TOB है, TOB बर्गर कैफे है जो उनका, हम उनके पास चलते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि आप हमें अपना फुल मेन्यू दें। हालांकि उनको इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि आज हम उनसे फुल मेन्यू लेने लगे हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं एक न्यू ब्लॉग। है तो वैसे ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन हम ये कैसे हो सकता है कि अपने असद भाई को ना बुलाएं। असद भाई आ जाए, आपका टाइम आ चुका है। ये चेक करें हमारे असद भाई आ चुके हैं। देखिए ये जरा भी स्क्रिप्टेड तो नहीं था ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं TOB पे। अभी चलते हैं टीओ भाई के पास और देते हैं ऑर्डर। जी इस वक्त हम आ चुके हैं TOB पे अपने बिलाल भाई के पास। तो बिलाल भाई आपने जस्ट ये करना है कि आपके मेन्यू में जितनी भी चीजें हैं ना, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ A to Z आपने सारा मेन्यू लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस बार ऑर्डर दे चुके हैं फुल मेन्यू का और अब हम कर रहे हैं वेट। तो ये हमारे साथ असद भाई बैठे हुए हैं, जो कि आपको पता है हमारे पिछले व्लॉग में भी जो हमारा फूड होता है उसके टेस्ट के लिए इनको हमने स्पेशली रखा हुआ है कि इनका जो होता है ना, क्या असद भाई उसको क्या कहेंगे हम, हाँ इनके जो डायलॉग्स होते हैं ना फूड के, वो कमाल के होते हैं। मौजूद हैं यहाँ पे ये हमारे कुरैशी साहब और ये हम खुद अभी वेटिंग की जा रही है ऑर्डर की, कि वो आए तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाना भी और साथ ब्लॉग बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम लेके घर पे ही जाएंगे। तो चलें फिर वेट ही करके करते हैं। माशाल्लाह जी, हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो ये आ गया हमारा फुल मेन्यू, इसमें हमें ये हम घर पे चलते हैं, इसके ऊपर ही करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें है क्या। चलेंगे माशाल्लाह जी, हमने सब चीजें लगा ली हैं। तो इस वक्त हमारे पास हमारे सामने मौजूद है बर्गर, डबल सिंगल बर्गर हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास सिंगल पीस बर्गर मौजूद है, ये हमारे पास और शॉर्ट्स मौजूद हैं, ये और विंग है हमारे पास, उसके बाद ये लेग पीसेज हैं हमारे पास, नगेट्स हैं, पिज्जा है ये, उसके बाद इसमें एक बीफ शॉर्मा है, उसके बाद चिकन शॉर्मा है, चिकन टिक्का शॉर्मा है, उसके बाद सीख कबाब शॉर्मा है, हाँ वो भी हमारे पास है, वो दे चुके हैं पहले ही। उसके बाद हेडक्वार्टर हमारा बैठा हुआ है, बिल्कुल वो पहले से वहां से हेडक्वार्टर। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमने साइड पर रखी है, टेबल पूरी नहीं आ रही, थंबनेल हमने ले लिए वो चीजें रख के। तो चलें फिर स्टार्ट लेते हैं। तो सन भाई सबसे पहले खाना स्टार्ट लिया था।
लेकिन कर भी ये कम हो रहा है, प्यार है ये नॉर्मल जो नगेट्स होते हैं उसी तरह अनगटे जैसे बाकी। उसके बाद ये हमारी अपनी इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है, इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है, ये आप घर में भी बना सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं हॉट शॉट्स, हमारा एक ही कैचअप चल जाएगा, हम इतना ज्यादा ये आ गए जी मारे। पर मैं बहुत बड़ा कैचअप का शौकीन नहीं। बाकी बाकी अच्छा यार, मैं जब भी जाता हूँ स्टोर में कुछ भी लेने कुछ लू ना, कैचअप जरूर लेनी है मंथली यार। मैं कहता हूँ कोई साधन न बको घर में, खाली रोटियों में कैचअप के साथ खा लेता हूँ, इतनी पसंद है कैचअप। आपकी कैचअप नीचे गिर गई है, हमारे हसन भाई बड़ी मुश्किलों का शिकार हुए। आप ये मजे गए हसन भाई, अब हम क्या ट्राई करें? आप बल्कि कैसे लगे हैं हॉट शॉट्स इनके? मुझे हॉट शॉट्स बहुत अच्छे लगे हैं, एवरेज हैं यार। वैसे भी खाने की जितनी चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं, पाके टेस्टी लगती है जब बंदे को भूख लगी हो, क्योंकि अभी हम 4 घंटे सुबह का हमने बस नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट किया हुआ वही किया हुआ, अदरवाइज हमने कुछ नहीं खाया हुआ, जो रास्ते में जग मारते आए वही है, वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम करने लगे पिज्जे को ट्राई, और एक अभी हमारे साथ बड़ी अफसोसनाक अभी हमारे साथ बड़ा एक अफसोसनाक हादसा ये हो चुका है कि हमारा एक क्लिप जो था वो जाया हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बेचारे मेरे वेट में बैठे हुए हैं। तो अब मैं भी करता हूँ पिज्जा ट्राई और देख देखते हैं आपको ये इनका पिज्जा कैसा है। ये माशाल्लाह जी पिज्जा आप देख सकते हैं, केचप आपने न्यू खोलना पड़ेगा इसका, ये फिनिश है, मैं इतना ऐसे शौक रखता नहीं हूँ लेकिन फिर भी बहुत माशाल्लाह सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और तो अब ये पिज्जा बड़ी जल्दी खा गए मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख बहुत ही लगी हुई है। बहुत इसमें से हम ये पीस उठाकर अपने कैमरा मैन को दे देते हैं, कैमरा मैन भाई जैसी करें। आई नो आपसे तो सबर हो ही नहीं रहा क्योंकि आपको पता है जो बेचारा मेहनत कर रहा होता है ना तो उसे थोड़ा लेट में फल मिलता है। तो ये जो हमारे कैमरे के पीछे है वो मेरा अपना भाई है, उसका फेस अभी तक नहीं रिवील किया नहीं वो, बल्कि तो करवाएंगे भी नहीं, वो करवाएंगे नहीं करवाएंगे, नजर लग जाती है उसे पहले भी लग चुकी है वो मेरा एक पूरे का पूरा कंटेंट है जो मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता तो इसलिए हाँ जो है हम अपने कंटेंट को बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजे में हमारे हसन भाई हैं, क्योंकि साथ साथ हम देख रहे हैं हमारी वीडियो ठीक बन रही है, साउंड का मसला ये वो, हसन भाई ये एक ही बात यार थोड़ा जल्दी तो अपने पिज्जे को तो यार पिज्जा आराम से यार आराम से अपना ही है कहीं नहीं जा रहे हैं, ये ले हसन भाई टिश्यू ले पागल टिश्यू है मेरे पास यस पागल टिश्यू ले लो यार कहो आराम से कहो क्या तुम लोग जब देखो खाते रहते हो मेरी तरह यू नो डाइट आराम से आराम से चलें जी। ये आ गई हमारी ड्रिंक क्योंकि अगर कहो तो आप स्पॉन्सर हो जाएगी हाँ स्पॉन्सर हो जाएगी फिर
सीएस आप उस रुपए दें प्लीज। अच्छा अब इसके बाद रिजवान का अटैक है और मैं पहले दाद नहीं शुआरमा लास्ट में करेंगे, ये मेरा फेवरेट है, ये हम लास्ट में करेंगे। अच्छा मैं भी शुआरमा ही कहने, मैंने तो भी रोक दिया ना असल में, क्या मैंने कहा कि कैमरामैन को देने लगा नहीं कैमरा अली भाई आज देखता रहेगा नहीं कैमरा मैन नहीं सॉरी क्या आपको जो चाहिए अली भाई आप वहीं से इशारा करें ये सर ये हम आपको देंगे सर ये आप बल्कि केचप भी डाल के देते हैं आपको सब्र करें ये आप केचप डाले नहीं वो बंदा इस वक्त हमसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है हमारे लिए क्योंकि हमारे लिए हम तो खा भी नहीं सब्र भी करना पड़ता है और उस बंदे की नजर हमसे ज्यादा इस पिज्जे के पीछे वो घंटा हो गया वहां से इशारा कर रहा था। अच्छा कि वो हेडक्वार्टर में अपना इशारा खा चुका है जी जी क्योंकि घर में छोटा होने के बड़े फायदे होते हैं। आप ये देखें कि वो अपनी प्राइवेसी को कितना ज्यादा पसंद कर रहा है कि वो अपना आवाज क्या वो आपको असी तक फील नहीं दे रहा लेकिन इस टाइम वो कोने में जो है ना बुरी आदत है उसे तो नहीं हो रहा है या तो मैं कह रहा था बर्गर ट्राई करते यार इसको थोड़ा सा अगर हम बस आपको पता है थोड़ा सा गाड़ी सिस्टम किया हुआ है हमने यार विंग्स यू नो माय फेवरेट क्या तो मैंने कहा कि फार्म की तरफ जा रहे हैं फार्म की तरफ नहीं जाना यहीं से मैं हाथ काट दूंगा यार हसन भाई थोड़ी प्यार वाली केचप इधर भी डालिएगा मैंने नहीं आराम से हसन भाई क्या हो गया ये देखें ड्रिंक का असर हाँ यार माशाल्लाह इनके जो विंग्स हैं बहुत अच्छे हैं आप ट्राई करिए आपको बहुत पसंद आने हैं आप ये देखें हम जो है वीडियो बना रहे हैं ठीक है इसलिए हम सब चीजें ट्राई नहीं कर रहे हम एक एक दो दो चीजें ट्राई कर रहे हैं हम विंग्स आ रहे हैं असन भाई जो हॉट शॉट्स खा रहे हैं क्यों उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ अपना मतलब है बस अभी तक जितना कुछ खाया है विंग्स क्लासिकल विंग्स माशाल्लाह कमाल के हैं अच्छा टेस्ट है असन भाई क्यों आपने तो ट्राई नहीं किया गर्दन ऐसे ही ला रही ये फेक रिव्यू जा रहे हैं इनकी तरफ ना जाइएगा शुक्र है अभी सिंगल लाइफ एंजॉय हो रही है ये मजे हो रहे हैं जब शादियां होंगी ना फिर मैं देखूंगा तीनों साल बैठते कैसे हैं फिर तो हमने एक दूसरे से कहना चलता भी यार कि भाभी वेट कर रही होगी आप फिर हमने तो ये चीजें खानी भी नहीं है पता होगा ना घर में बनी भी है कोई ना कोई चीज ऐसी बात जब भाई से खा जाए तो मैंने सोच लिया इन दोनों का ना वो आरएमसी बनवाना है मैंने बल्कि आप लोग कमेंट में बताइएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमसी हां ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आरएमसी जो थोड़ा ना हिंट दे देते हैं सी फॉर सर्टिफिकेट हां सी फॉर सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका बाकी आप अब खुद गेस आरएमसी का आप और ये दोनों चेहरे देख लें ये इससे बिल्कुल फिट है बिल्कुल फिट है मैं तो छोटा हूं यार मासूम हूं साथ ये दोनों फिट है साथ ये अभी लेटर बनता नहीं है ये आपको मिलेगा एक तो जिनकी शादी हुई है ना उनको पता होता है ये लेटर कहां से मिलता है शादी और रतात के बाद और दूसरा आपने ये अगर लेटर पहली बात है पहली तो बात है ये लेटर मिलता ही नहीं है लेकिन अगर ये लेटर मिल जाए तो मैं कहता हूँ आपके आप अगर अनपढ़ जहल भी है ना ये लेटर आपको किसी जगह ले जाते हैं ठीक है तो सी फॉर सर्टिफिकेट हो गया आर एम जो है आपने बताने के बहुत कॉमन सर बहुत कॉमन सर ये तो फर्स्ट टाइम तुझे मेरे पापा ने बताया था ना हाँ फर्स्ट टाइम जी तो आप इस बारे में नहीं पता नहीं मुझे पता है लेकिन मैं कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको राज नहीं रहना चाहिए जो अपनी जगह नहीं रहती है चलिए दोबारा हम खाने की तरफ आते हैं तो अब क्या ट्राई किया जाए यार ये काफी देर हो गई घूम लेग पीस लेग पीस चिकन लेग पीस प्लीज हसन भाई ये हां रिजवान भाई मैं और आप आधा आधा कर लेंगे हां हम आधा ठीक है क्योंकि यार ये कोई इतना ज्यादा नहीं खाए जो हमारे वो बैठे हैं जिन्होंने पैसे लगाए थे उन्होंने कहा ना हमारे लिए कुछ नहीं स्पॉन्सर वालों ने हेडक्वार्टर में हिस्सा तो रख लिया पर छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बिल्कुल ये रिजवान भाई अब इसको यहां पे आप करें ना जी रुक जाए फर्स्ट टाइम मैं लेग पीस को आप करूं तो आप मेरा जर चेक करें क्या बात है हां वरना मैं लेग पीस पे कॉम्प्रोमाइज कभी किया नहीं
असल में ये आप हम देते हैं, आप हमसे मांगे, आप हमसे क्यों नहीं लेते? बार बार तंग ये ले, पकड़े सर ये आपने ज्यादा दे दिया। मैंने अभी शवारमा ट्राई करने थे, बर्गर ट्राई करने थे, तो मैंने आपको ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि शवारमा मुझे खुद ट्राई करने। बात तो सही है, यकीन माने मैं हॉस्पिटल में लोग साथ ही थे ना मेरे, दोनों साथ थे हॉस्पिटल तक गए हैं शवारमे के पीछे। इस शवारमे ने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया था। बहुत बहुत पर कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। खाने के लिहाज से ना भी है लेकिन आप हमारी बातों बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा तो कैसा लगा टेस्ट? मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक लग रहा है विंग्स से इस अगर इसको कंपेयर किया जाए तो विंग्स अच्छे थे, इनकी इनमें कोई इतना खास वो नहीं है। सही मजे हैं, अच्छे हैं, बट नॉन एवरेज, सिंपली अगर देखा जाए तो एवरेज। और आप लोगों ने बताना जरूर है, लाजमी बताना व्लॉग कैसा बना हमारा। फर्स्ट टाइम है ये वाला व्लॉग, इसे फूड व्लॉग जो है फर्स्ट टाइम है, पर फुल मेन्यू को जो हम वो फर्स्ट टाइम कर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। हाँ बहुत जल्द, पर वो अभी नहीं बताएंगे कि किसका करेंगे और कब करेंगे। जल्दी जल्दी आप मेरे करें YouTube पे 10K करें, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मैकडॉनल्ड्स का फुल मेन्यू करेंगे। लेकिन 10K करें अभी तो 40 भी नहीं हुए नहीं नहीं 42 हो गए। YouTube पे आप लोग मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। असद भैया आप ऐसे फ्री ना बैठे, नहीं मुझे जरा आराम से। अच्छा अब ये यार रिजवान बाकी बातें तो ठीक है, पर हम बर्गर अगर तीनों एक ही करें ट्राई पहले, क्योंकि एक जिंगर बर्गर है और दूसरा वो पैटी बर्गर है। आप टेस्ट जो है दोनों में चेंज होना है, चेंज होना है। ये ना हो कैसे भाई कह रहे नहीं मेरे वाले में जो है वो सर एक और नहीं नहीं हम इसका एक और निकालते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए, आप लोग एंजॉय करें इतनी देर में हम इसका कुछ सोचते हैं, उसको खोल दो। पर इस बार देख असद, जस्ट इमेजिन कि जो भाई जो बहन हमारा ये व्लॉग रात को 1:30-2 बजे रजाई में लेट के देखेगा, उस वक्त उनकी क्या फीलिंग होगी या रात को एक दूसरे को 2-2 बजे मैसेज आ रहे होते यार भूख लगी अब क्या करें नूडल्स है। उस दिन ऐसे पूछा तो उस दिन तुमसे मैगी कैसे बनानी है, रात को मुझसे 1:30 बजे पूछ रहा मैगी का तरीका बता। मैंने कहा रात को 1:30 बजे तू मैगी बनाएगा यार भाई भूख लगी है तो कुछ। असन भाई आप क्या चाहते हैं? ये रिजवान भाई इंशाल्लाह आपको अपने हाथ के सैंडविच में ट्राई कराऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। व्लॉग बनेगा जी, असद भाई ने कह दिए उस चीज का व्लॉग बनेगा। असन भाई आप मैं आप ये क्वेश्चन आप लोगों का ठीक है, मैं ये कमेंट आया था मुझे एक असल में क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं सर मैं शादीशुदा नहीं हूं। देखा नहीं आपने हाँ। कमेंट किया था आपका क्वेश्चन क्लियर हो गए, असल भाई शादीशुदा नहीं है क्योंकि वो असल भाई सिंगल है और शक्ल से लगते नहीं है, और ये सिंगल पड़ेंगे शक्ल से लगते नहीं है पर ये डॉक्टर भी है माशाल्लाह। ये हमारे जो भाई हैं डॉक्टर अच्छा खासा टीका लगाते हैं मतलब आता है इनके तो फिलहाल ये इधर का हॉस्पिटल में होते हैं, इधर हॉस्पिटल गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज के पास वो हम अपने पिछले व्लॉग में दिखा भी चुके हैं। हाँ तो ये वहां पे होते हैं, तो कोई भी अगर पेशेंट हो तो अब ये नहीं कि असन भाई को देखने के लिए तो आप ऐसे ही अपने दिल को पकड़ कर चले जाए, दिल के डॉक्टर नहीं वैसे तो असन को देख के बंदे के दिल के दौरे पड़ते हैं। बल्कि उस दिन रात को मैंने अपने रूम की लाइट नहीं ऑन की थी, ये अंदर आए मुझे दिल का दौरा पड़ गया तो वो दौरा पड़ता है, हमारे दिल वाले मामला सीधा दिल पे दौरा पड़ता है। तो ये अब हाँ। ये ट्राई किया जाए आप? हाँ किया जाए इसमें तो अब हाँ। एक काम करते हैं मेरे पास ना वो जो आप बचपन में याद करते थे एक बाइट तू ले एक बाइट तू ले, सर मैं वो करने लगा हूँ ये आप देखें मैं यार टेक्निक के साथ दुआ ये कर हाफ जो आप कर रहे हो ना हाँ दुआ कर हो जाए ओ जिंदा बा जुगाड़ भाभी जुगाड़ लग गया भाभी मुबशर पुत्र मजा ही आ रहा है ये चेक करें सर। हाँ इसकी भी करेंगे हम थ्री
पीछे कैमरा मैन का इशारा आ रहा है उसको फोर करें ये सर ये कुछ ज्यादा ही ये असन भाई ये आपने जो है मत मार दी पूरे ये क्या कह रहे हैं आपका ये आपका हम आप कैसे रखेंगे नहीं असल में बड़े हमारा बचपन का कार्ड है हमने जो खाया इकट्ठे खाया और साथ खाया जैसा भी था खाया है माशाल्लाह जी हाँ ये आप अगर हमें इतना ब्लॉग में इतना हैप्पी या ये रियलिटी है जी माने कि कोई हमारे इसमें कोई फेकनेस नहीं है बेसिकली इस तरह की कभी हमने ऐसे नहीं किया कि हम सिर्फ कैमरे के सामने लोगों को अपील करवाने के लिए कि हम खुश हैं या हम खुश हैं हम एक दूसरे के बहुत अच्छे भाई भी हैं एक दूसरे के साथ बहुत सिंसियर भी हैं मुश्किल में एक दूसरे से आगे मतलब अगर रिजवान भाई पे मुश्किल आएगी तो इनसे पहले मैं खड़ूंगा कि इनकी मुश्किल ही मेरी मुश्किल है बिल्कुल और इसी तरह ये मेरे साथ करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल हो तो ये मुझसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं अच्छा लोगों की आदत होती है हंसते हुए देखते हैं कुछ लोग आके पूछते हैं भाई खैर आप लोग बहुत हंसते हो हाँ ये बात है मतलब अब व्लॉगिंग जब स्टार्ट की हुई है तो माशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स से और आप लोगों के प्यार से पता चलता है कि आपका प्यार नजर भी आता है अब जब आप देखें आप तो सिर्फ देखते हैं वीडियो उस बिहाइंड द सीन यकीन माने एक एक शॉट के लिए जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है हमें पता है अब ये कैमरा उठाया होता है तो पीछे से लोग देख के ना हंस रहे होते हैं लेकिन उस चीज को अगर मेरा 1 जनवरी को माइंड बनाने वाला बॉय था तो ये बॉय था इसने मुझे आके कहा कि यार व्लॉगिंग देखिए बड़ा मजा है व्लॉग करने का दिल है मैंने कहा जानी जो होगा इसने जैसे लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना गजल ने पूरा किया था मैंने कहा तू व्लॉग बना मैंने कहा तू व्लॉग बना एडिटिंग मैं करके दूंगा तुझे सारा तेरा कैमरा मैन मैं बनूंगा तू अभी भी मेरे व्लॉग्स की मैक्सिमम एडिटिंग करते हैं हमारे इसद भाई मेरा आपको सिर्फ फेस नजर आ रहा होता है और उसके पीछे की जो एडिटिंग होती है वो हमारे सर भाई जहरी सी बात है आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले आप मुश्किलात देखनी पड़ती हैं ये कहीं भी नहीं है कि आप मुश्किलात ना देखनी पड़े तो इसलिए अभी स्टार्टअप है तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा होगा ऑडियो भी अच्छी होगी माइक तो जैसे आपको पता है माइक से हम लेके आए हैं तो वो अभी खुद यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है माइक्स बाहर आउटडोर यूज होते हैं इंडोर हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है तो अभी यही है कि बल्कि अभी यही है अच्छा रिजवान में जो नेक्स्ट बर्गर है ना उसमें से बाइट बाइट करेंगे हाँ ये वाला काम नहीं कर सर, हम ये बात लाते ही असद भाई असद भाई बिस्मिल्लाह करें स्टार्टिंग में ही करवा दो बिल्कुल सर ये क्योंकि शवारमा तुमने छोड़ना नहीं वो फुल आपको रिव्यू देंगे बिल्कुल शवारमे का फुल रिव्यू आप अली भाई कर लिए भी ये आप हां वहां साइड पर हां साइड पर टेबल पे साइड में ये ले ली भाई अली ये बस ठीक है बस उसे छोड़ दें आप कोई मसला नहीं है तो अब आ गया ये हसन भाई उठा लें अच्छा यकीन माने इस बर्गर पे मेरी शुरू से नजर थी किस बर्गर पे इस बर्गर ये इसका माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं इसकी शेप ही बड़े मजे की लग रही है सबसे पहले आप ये चीज चेक करें इसकी ये आप देख रहे हैं इस पर कितना लोडेड बर्गर है ये हाँ और हमसे एक बाइट से ये बर्गर सही है भाई ने दिल से बनाया लव यू हो गया तो ये भाई ये अपने फिंगर आप साफ करेंगे प्लीज ओह सॉरी एक मिनट ये भी मतलब जैसे हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं ना एज अ फन कर रहे हैं हम किसी फेम के लिए नहीं कर रहे कोई हाँ ये एज अ फन है पर्सनल कुछ भी नहीं है हम सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं एक मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे ही हमारे तैयब और बिलाल भाई माशाल्लाह ये भी एज अ फन ही ये कर रहे हैं इनका टैलेंट है बहुत अच्छा तो ट्राई करें क्या कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह यंग बॉयज हैं हाँ यंग बॉयज लेकिन आप इनके आग का टेस्ट देख के आप यकीन मानें पता है जितना बंदे ने दिल से बनाया बिल्कुल अभी भी जब वो बना रहे थे तो साथ साथ वो मैं बता रहे थे कि ये चीज चेक कर लो वो चीज चेक कर लो और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट बहुत अच्छा बहुत ज्यादा यार दिल से अपना उन्होंने काम छोड़ के हमारे लिए अलग से टाइम निकाला है बिल्कुल और शॉर्ट्स के लिए बुलाया हालांकि रश पड़ा था उनके पास लेकिन उन्होंने जो स्पेशली हमें टाइम दिया थैंक यू सो मच तैयब भाई बिलाल भाई स्पेशली आप दोनों का और चले फिर चले बिस्मिल्लाह करते हैं बिस्मिल्लाह करें हैप्पी बर्थडे असद भाई आपको अपना 100 जन्म मुबारक हो जी ये हमारा आ चुका है जी बर्गर बहुत मजे का और मेरे के बाद मानो
अगर आप चाहते हो आप कहो तनीस से तो मेरी मानो कैमरा बंद कर दो फिर फायदा क्या हुआ फिर क्या फायदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम असन भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ नहीं नहीं यार ना बीच में हो गया मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग दो मिनट आगे बात कर रही हैं दो मिनट नहीं मैं तो शॉर्ट ही काफी आगे हो गया दो सेकंड दो सेकंड ये चीज चास आगे के नहीं अब बोला भी नहीं जाएगा आप गए ये सब तक नीचे उतारते हैं गए सर भाई कहे Outstanding, कमाल है मजे के वैसे बहुत खैर इट्स ओके जाने दो बल्कि यार ये बहुत मजे का लगा मुझे भी ये चीज अब आपको पता है हाँ यार कैमरा मैन को किसी दिन लेके चलते हैं क्या कहते हो किधर ये भी अली भाई साइड पे कर दें ये हम बाद में खाएंगे ना जी ओवन में गर्म करके तो काफी देर के ठंडे होंगे गिर ठंडे हो जाएंगे शुवार में सबसे मेन चीज हाँ। थंबनेल वैसे इनका बनाना चाहिए था केले रख के लोगों को लगे यार ये क्या फुल मेन्यू में शुवार में हमारा फुल मेन्यू यहाँ पे आके हुआ है वरना हमारा तो मेन्यू खत्म था बिल्कुल यही बात है तो अभी हमारे कैमरा मैन साहब बाहर गए हैं वो दरवाजे खोल के और इस बार हम ठंड में बैठे हुए प्लीज अली भाई अली भाई आप क्या कर रहे हैं आप जो हमसे बदले ले रहे हैं हमें नजर आ रहे हैं अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ तक ना होते सही बात है यही बात है अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि जो केचप है ना फास्ट फूड की जान है क्या चीज है फास्ट फूड की जान कौन है केचप अच्छा बस मेरी जान तो एक ही चीज है मायो अब कुछ और ना समझ लीजिएगा मायो इसीलिए क्लियर किया मायो मायो और मायो भी मायोनीज कंफर्म कर दे ये हम यहां से चीजें अच्छा ये चीज काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है इस चीज की अच्छा अब आ जाते हैं हम मेन कोर्स इसमें से मैं किसी को बाइट नहीं करता सर अपना अपना उठाएंगे ना, 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 लेकिन लेकिन जो बंदा जोश वर्मा उठाएगा उसका रिव्यू वो खुद देगा हाँ, और गैस भी करना पड़ेगा कि उठाएगा कौन सा क्योंकि हमें पता नहीं इसमें से जिंगर कौन सा शर्मा क्योंकि ये हम कोई मैकडॉनल्ड्स से तो लाए नहीं है कि वो हर उनके पैकेट पे लिखा होगा याद है हाँ ये बात है मैकडॉनल्ड अगर हम जा नहीं सकते ना वहाँ दरअसल वहाँ से लेके आना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है अगर हम ले भी आए ना तो फिर भी हमारा ढाई तीन दो घंटे तो मैक्सिमम कहीं नहीं गए ना क्योंकि यहाँ से काफी ट्रेवल कर गया मैंने और फिर वो चीज का मजा नहीं रहता जब ज्यादा ठंडी होती है 3 आवर्स लग जाती हैं नहीं 3 नहीं जी हाँ ये वहाँ पे वेट करके तो वो आपको पता है सारे का सारा आपका टेस्ट और दूसरा हम तो बाजार से दही लेने जाए तो घंटा लग जाता है तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करें हसन भाई आप कौन सा लेंगे ये मुझे जहां तक एक काम करते हैं वो पहले पुग लेते हैं कि मैं कौन सा उठाएगा ये मुझे जहां तक आइडिया है ना इसका ये बारबेक्यू है इतना मुझे कंफर्म है तो ये बारबेक्यू है ये तो इसको भूल गए आप लोग ये मैं खाऊंगा क्योंकि इसका जो मुझे वहां पे ना जिस मतलब वो बना रहे थे ना क्योंकि मैं तो शॉर्ट्स ले रहा था तो जो इसके पीसेस थे इतने कोई कमाल ये लग रहे थे ना कि मैं तो कह रहा था इसी टाइम खा लूं बट बस मैं ये इस पे नजर रखी हुई थी मैंने इसीलिए साइड पे ये देखे ये तीन लद है मैंने पहली उंगली लगा दी थी इसमें अब आप लोग पहले याद रख चुके हैं हसन भाई जी आप तो नहीं खाएंगे सोच रहे हैं। नहीं, मैं सोच नहीं रहा मैं खाऊंगा लेकिन साइड पे आप अपना हिस्सा लेके साइड पे सर हाँ एक मिनट एक और काम करते हैं हाँ नहीं उसकी अच्छा यार एक काम करते हैं ना अकड़ बकड़ बम्बे बो सी नवे पूरे सो ये ले सन भाई अभी हो गया यार तुम्हें अभी कहना था नहीं जब क्लच कर चुका था फिर जाके कहना था क्योंकि ये वाला जो शवार में ना ये है जिंगर आटा है ये तो अच्छा मुझे पता था कौन सा शवार में नजर रख के बैठे तो मैं कह रहा था यार नहीं चले भाई अब जो नसीब में मजे की बात आओ तो इस पे जितना भी खर्चा हुआ है ये दोनों बराबर के शरीक हैं ये एक बंदा आपको पता नहीं अफोर्ड कर सकता तो थैंक यू जी ये डॉक्टर साहब और स्पेशली थैंक्स हेडक्वार्टर का बिल्कुल देखें जी वो करना होते तो आज हम हेडक्वार्टर भी अपने घर वाले ये ना हो आप लोग समझते हो किसी और के घर वाले उनको भाई से कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है अपने घर वालों को अब नजर ही बात है अच्छा ये समझ ले ये रिजवान भाई की यूट्यूब की पे है
सीधे YouTube के नाम पे मिल रही है। बिल्कुल इंस्टाग्राम के नाम पे, इंस्टाग्राम के नाम पे। ये तो थंबनेल भी मान गए ना, YouTube की कमाई से फुल मेन्यू का आ रहा है। हां तो मेरा निवेश शर्मा भाई। अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊं, मेरी इस वक्त जरा तबीयत, मतलब तबीयत उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि मैं इस वक्त फुल हो चुका हूं। अच्छा हो तो मैं भी चुका हूं, क्योंकि हूं मैं फूडी हूं लेकिन मैं वो ओवरलोडेड वाला फूडी नहीं हूं। तो ये आखिरी रह गया है और मुझे लग रहा है कैमरे वाले भाई हमें कहा हमारे वो आंखें निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे। तो ये उनको देना चाहिए। कौन सा? वो जो रह गया यार, अगर अभी हम ये ट्राई कर लें, हम आपको फेस रिवील नहीं करवाना चाहते वरना अपने साथ लेके आते। कमाल यार, सर जी मैं कहता हूँ मेरे वाला कमाल का है। नहीं यार, जो मेरे वाला है ना वो कमाल है यार। जहाँ पे जिंदगी शुरू करना एंड है। नहीं यार मैं कहता हूँ तुम दोनों ए, सर देखा मेरे वाला ट्राई यार एक काम करते हैं सर ये एक्सचेंज करते हैं बाल में एक्सचेंज वाला काम मेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं करने वाला। ये आप दोनों की मोहब्बत मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रही। देखा नहीं जवाब में लोग सड़ रहे हैं यार, लोग सड़ रहे हैं यार, मतलब सड़ना मेरा बनता है। साथ बिठा के इग्नोर कर रहे हो तो मैं बंदा सड़े भी ना। और ये ब्लॉग कम से कम मुझे जहां तक लग रहा है 31-32 मिनट तक मैक्सिमम जाने वाला है, मैक्सिमम जाएगा, पर बहुत मजा आएगा। पर माशाल्लाह जी मेन्यू हमारा माशाल्लाह सब कंप्लीट हो चुके, तो इसके साथ ही अब इजाजत, इसके साथ ही अब हम इजाजत चाहेंगे और आप लोगों की दुआएं कि हम भाइयों का प्यार ऐसे रहे। बिल्कुल जी, आप दुआ करनी है स्पेशली पकोड़े वाले, तो बहुत हीट गया था जी, पकोड़ों वाला औलाद माशाल्लाह बहुत आप लोगों ने प्यार दिखाया, इतने मजे के पकोड़े थे वो के कमाल के। मैं इसे कब से कह रहा हूं रिजवान भाई दोबारा खिलाए, दोबारा खिलाए, तो वो दोबारा इंशाल्लाह बनाएंगे। तो मेरा दिल है कि बाहर गली में लगाऊं क्योंकि काफी रात खाने जाते हैं, मन है ख्वाहिश रखते हैं वो। तो बिल्कुल आप मेरी तरफ दावत है कि आप आए, आप जरूर पकौड़े खिलाए जाएंगे। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट है, हमें दें इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।